लेक्चर नंबर वन है वही हमने इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक थ्री से इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी मैंने सारा आपको पिछले लेक्चर्स में सारा क्लियर कर दिया था। अब लैंग्विस्टिक एंड अप्लाई लैंग्विस्टिक, अब लैंग्विस्टिक और अप्लाई लैंग्विस्टिक का कैसा रिलेशनशिप होता है और उनके में क्या डिफिकल्टीज आती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली लैंग्विस्टिक जो होती है वो साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है, कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है, ठीक है। लैंग्वेज में आपने जो भी साइंटिफिक स्टडी करनी है वो आपके लैंग्विस्टिक में, अगर बड़ी अप्लाई लैंग्विस्टिक में होता है जो भी आपके थ्योरीज वगैरह बुक्स के अंदर दी होती हैं या कुछ भी कोई भी चीज़ आपको बुक में दी होती है, जब उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं उस चीज़ को, तो उसे डील करना उस और उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको डील करना वो आपके पास आता है अप्लाई लैंग्विस्टिक में। अभी इसका रिलेशनशिप क्या होता है लैंग्विस्टिक एंड अप्लाई लैंग्विस्टिक या डिफिकल्ट रिलेशनशिप, इनका जो डिफिकल्ट रिलेशनशिप होता है लैंग्विस्टिक और एकेडमिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन जनरल। जो लैंग्विस्टिक होती है वो आपका स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है, ठीक है। इन सम डिग्री टू काउंट टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज ऑन प्रैक्टिकली पार्शियली इन्फ्लुएंस्ड टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज दैट यूज इन द जनरेटिव लैंग्विस्टिक बाय नोम चॉम्स्की, जैसे आइडिया दिया था जनरेटिव लैंग्विस्टिक, जैसे उन्होंने नोम चॉम्स्की ने आपको दी थी। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंग्वेज इन द माइंड, जिसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं, जो भी आपके माइंड के अंदर लैंग्वेज होती है उसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। द वे इन विच पीपल यूज लैंग्वेज इन एवरी डे लाइफ, जो कि आप एवरी डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं, ठीक है। और चॉम्स्की लैंग्वेज इज नॉट द ओनली काइंड, वी आल्सो हैव, उसके जो है वो चॉम्स्की ने सिर्फ एक ही काइंड इसकी जनरेटिव ग्रामर इसको एक ही में नहीं किया था, बल्कि इसको और भी ज़्यादा और भी डिफाइन की थी इसकी काइंड, जैसे साइको लैंग्विस्टिक आ गया, अटेम्प्ट टू फाइंड सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन सोशल ग्रुपिंग एंड लैंग्विस्टिक होती है। साइको लैंग्विस्टिक में आप लोग सोशल के सिस्टम के बारे में और लैंग्वेज इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और इनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, और जो भी आपने कॉन्टेक्स्ट वगैरह दिया होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं फंक्शनल लैंग्विस्टिक, द कंसर्न विद लैंग्वेज एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। फंक्शनल लैंग्वेज होती है वो कंसर्न करती है आपकी लैंग्वेज से, जो कि जिसके जरिए आप कम्युनिकेशन करते हैं। हाउ पीपल एक्चुअली यूज देयर लैंग्वेज, कैसे लोग जो है वो एक्चुअली यूज़ करते हैं इस लैंग्वेज को। अप्लाई लैंग्वेज इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ मैचिंग अप फाइंडिंग अबाउट लैंग्वेज विद प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, बट ऑफ फाइंडिंग टू एक्सप्लोर हाउ द परसेप्शन ऑफ दिस माइट बी चेंज। इस अप्लाइंग लैंग्वेज मैटर नहीं करती, वो इस चीज़ को नहीं देती कि आपका पहले प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी आपकी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। जब भी आपने कोई भी थ्योरी अगर आपने रियल लाइफ में उसको अप्लाई किया, आपके पास प्रॉब्लम आ रही हैं, अब लैंग्विस्टिक इस पर डील नहीं करती कि आपको इससे पहले जो है वो क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब वो सिर्फ इसको एक्सप्लोर करती है कि आपकी परसेप्शन किस तरह चेंज हो सकती हैं और आप इसको दूसरा अल्टरनेटिव इसका क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, वो इस चीज़ पर डील करती है। उसको कंसर्न नहीं होता कि इससे पहले आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अब अप्लाई लैंग्विस्टिक मस्ट रेफर टू फाइंडिंग थ्योरीज ऑफ लैंग्विस्टिक चूजिंग एंड आपके रिलेशनशिप होती है, अगर आप अच्छा आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप एक्सपर्टीज हैं इस चीज़ में, प्रोफेशनल हैं, तो आपका जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम की समझ भी आएगी और आप अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। ये अप्लाई लैंग्विस्टिक में आता है। अगर अप्लाई लैंग्विस्टिक एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, अब अप्लाई लैंग्विस्टिक होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, ठीक है, इसके ऊपर भी हमने जिक्र किया है। आप अप्लाई लैंग्विस्टिक हैप्पी विद डिस्ट्रिक्ट कंसर्न प्रोग्राम लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन द टर्म प्रॉब्लम राइज इशूज ऑफ इट्स ऑन, जो भी आपके पास राइज इशूज राइज होते हैं लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हुए उसको सॉल्व करना, ठीक है, इसका मेजर काम होता है उनको क्वेश्चन को सेंस करना कि किस तरह हम जो है वो किस तरह हम चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, किस तरह हम जो है वो कहाँ पे हमने जो है गलती की है या क्या गलती हुई है जिसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ है, ये कुछ भी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और कैलिंग एरियाज ऑफ टॉपिक प्रॉब्लम फर्स्टर एटीट्यूड अप्लाई टू क्लियर, ठीक है, वही बात इसमें बार बार एक ही बात बताई गई है कि अप्लाई लैंग्विस्टिक वही होती है जिसमें आप चीज़ों को क्लियर करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अपनी एक्सपर्टीज है या आपने कोई भी आपके पास नॉलेज है या आप प्रोफेशनल हैं उस चीज़ में, तो वो आ जाते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आता है सो वॉट प्रॉब्लम डज अप्लाई लैंग्विस्टिक सॉल्व, तो इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर चाइल्ड, अच्छा इसमें जो होता है वो कुछ प्रॉब्लम्स के आपके सॉल्यूशन इधर बताए गए हैं, जैसे एक बच्चा है उसको अगर वो बोल नहीं सकता तो उस पर फिर आप उसको जो है थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं,
वो जो होता है उसको देखता है, उसको जज करता है उसको कि वो क्यों नहीं बोल रहा बच्चा, उसमें वो अपने वर्ड्स को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा, या उसको लैंग्वेज जो है वो इतना एबल क्यों नहीं है कि वो अपना लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उसमें क्या डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, कौन से डिसऑर्डर्स हैं उसमें, तो उस चीज़ को करते हैं, ठीक है, और उस चीज़ के बारे में वो अपना जो है वो जानना चाहते हैं। आगे यू कंट्री बेसिकल बिटवीन पीपल यू आर स्क्रिप्ट, इसके अलावा अगर आप देखें तो उसमें जो है एक्टर्स को पहले स्क्रिप्ट वगैरह दिए जाते हैं, उन्होंने उसके बारे में सारा पढ़ना होता है, उसमें सारा जो हर चीज़ दी होती है, ठीक है, और उस पर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसको पहले सॉल्व करना होता है हैंडल करके, उसके बाद वो अपना जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होता है उस पर साइन करते हैं, ठीक है। अब हमारे ऑर्थोग्राफी फॉर लैंग्वेज डेट हैव नो रिटन फॉर्म एंड इन्वेंटिंग सिंप्लीफाइड लैंग्वेज फॉर अप्लाइड लैंग्वेज हैव प्लेड अ पार्ट इन ईयू प्रोजेक्ट ऑन ट्रांसलेशन एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अच्छा, अप्लाइड लैंग्वेज जो होती है वो आपकी चीज़ों को ट्रांसलेट करने में भी आपकी मदद करती है, जिसमें आप चीज़ों को मतलब किस तरह ट्रांसलेशन करके एक 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 जो स्टेटमेंट है उसकी किस तरह दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा इसमें अहम किरदार होता है। और दूसरा जो होता है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक का ज़्यादा जो है रुझान होता है, फोकस होता है, वो आपका सेकंड लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे जब भी आप एक स्टूडेंट है उसको जब भी दूसरी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज आप उसको सिखा रहे होते हैं, तो उसमें फिर वो जब बच्चा जो होता है वो अपनी लैंग्वेज को सीख के उसको डेली लाइफ में उसको बोलता है, उसको अप्लाई करता है, तो वो जो डेली लाइफ में अप्लाई करना चीज़ें होती हैं वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक में आता है, ठीक है। और जो भी आप उसको पढ़ा रहे होते हैं थ्योरी के फॉर्म में जब भी आप बुक से उसको पढ़ा रहे होते हैं, तो वो आपके थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक में आ जाती है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक प्रेडा यूजू प्रोजेक्ट ऑन ट्रांसलेशन, ठीक है, इसमें यही बात बताई गई है। आगे हमारे पास आ जाता है एट जनरल लेवल वी कैन ड्रॉ थ्री एप्लीकेशन ऑफ द अप्लाइड लिंग्विस्टिक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अब हमारे पास अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो होती है वो ऑल ट्रेड्स में अप्लाई की जाती है, ठीक है, इसमें रियल वर्ल्ड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स कैन बी सेल्डम आर रिजॉल्व बाय लुकिंग एट अ सिंगल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। इसको जो है वो सॉल्व किया जाता है सिंगल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज से देखा जाता है, ठीक है, उनको सॉल्व किया जाता है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक इंटरडिसिप्लिनरी होता है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज वेरी नॉट लिटल अबाउट मेनी एरियाज, नॉट ओनली लैंग्वेज बट आल्सो फिलोसफी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड मैनी मोर। अच्छा, इसमें जो होता है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक होता है कंप्यूटर के बारे में जानना, सोशल के बारे में जानना, फिलोसफी आपकी कैसी होती है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होती है और आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होते हैं उसके बारे में जो है वो आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक में ही जानते हैं, ठीक है। इन अ सेंस अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज नॉट ओनली जस्ट ऑफ ऑल ट्रेड बट आल्सो मस्ट ऑफ वन ऑफ दे नॉट रिक्वायर इन द डेप्थ नॉलेज ऑफ द स्पेशलिस्ट बट द एबिलिटी टू फिल्टर आउट एरियाज रेलेवेंट टू देयर कंसर्न। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा तो भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे अप्लाइड लिंग्विस्टिक में, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे, बट आपके पास इतनी स्किल और एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने आइडियाज़ को फिल्टर कर सकें, आप उसमें से प्रॉब्लम को निकाल सकें, ठीक है, और उसके बारे में आप थोड़ा बहुत लाजमी जानते हो, मतलब आपके पास ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, बट इतने आप काबिल होने चाहिए कि आपको प्रॉब्लम जो है वो पता चल जाए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसको जान सके अच्छे से। एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक वांट इज नॉट सिंटैक्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस एंड अप्लाइड। अच्छा, डिस्कोर्स एनालिसिस में वही होता है कि आप जब भी डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं उसमें होता है कि जो भी आप बोल रहे होते हैं या कोई भी रिटर्न फॉर्म में आप काम कर रहे होते हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं डेली लाइफ के अंदर, तो वो सारी आपकी जो है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक में स्टडी होती है, ठीक है। इन ऑर्डर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्लाइज और अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो प्रोफेशनल प्रोफेशन होती हैं, ठीक है, इन अदर वर्ड्स जो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक जस्ट टू डिसिप्लिन एज अ होल बट आल्सो द इंडिविजुअल पार्टिशन। अच्छा, द अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज टू गो बिटवीन नॉट एंड इन्फोर्सर अ सर्वेंट और नॉट अ मास्टर। द प्रॉब्लम अप्लाइड लिंग्विस्टिक कैन डील विद अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसेटेड। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है लिंग्विस्टिक के अंदर वो आपके कॉम्प्लेक्सेस को डील करती हैं, ठीक है, और मल्टी फेसेटेड को डील करती हैं। और इसमें जो होते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो होती है वो आपके कंट्रीब्यूट करती है और इंटरप्रिटेशन और दूसरों के एडवाइसेस पे, ठीक है, किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, अगर आप दूसरों से एडवाइस भी ले रहे हैं तो उस पर भी बहुत मायने रखती है, वो भी कंट्रीब्यूट उस पर भी करती है, ठीक है, उसके सोल्यूशन के लिए किस तरह चीज़ें अप्लाई की जाएँ आप वो उस पर
स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। यू शुड सेव लैंग्वेज एक्टिव अप्लाई लैंग्वेज टू ये बात है। अब शेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी एरिया ऑफ लैंग्वेज इज नॉट अप्लाई लिंग्विस्टिक एज मच बट डिसिप्लिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आर लिंग्विस्टिक। अब सम एरियाज कंसर्न विद डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज आर रिगार्डेड एज अप्लाई लिंग्विस्टिक। कुछ एरियाज में जो होते हैं वो आपका लैंग्वेज को ही कंसर्न किया जाता है, अप्लाई लैंग्विस्टिक का उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता। अदर आर नॉट और किसी को मेक अ कॉर्पस एनालिसिस ऑफ एन एरिया ऑफ कैरी कन्वर्सेशन एंड इट इज लैंग्वेज एक्विजिशन मेक अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रामर एंड यू आर डूइंग सिंटैक्स ओवरऑल। वही बात है कि कुछ एरिया में जो होती हैं वो लैंग्विस्टिक नहीं दिया जाता। आप जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको उसको एक्यूरेट इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। आपको जो है वो लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है उसको सीखने के लिए, क्योंकि उसमें आपको पास लैंग्विस्टिक अप्लाई लैंग्विस्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप उसको एक अच्छे से सीख के फिर आप एक सिंटैक्स की तरफ चले जाते हैं, मतलब वर्ड बनाना सीख जाते हैं, वर्ड्स की स्टडी हो जाती है इसमें। ओवर मेड डिस्क्रिप्शन इज नॉट इन इट्स अ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इवन इफ इट मे कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें जो भी आप जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तब तक वो उसका सोल्यूशन ही आपको मिलेगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ है उसको आप एक्टिविटी के ज़रिए सोल्व कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के ज़रिए इस्तेमाल सोल्व कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को, तो वो आपके अप्लाई लिंग्विस्टिक के अंदर आ जाता है। बस इसमें दिया गया था रोल ऑफ अप्लाई लिंग्विस्टिक, ये भी आपको बताया अभी मैंने कि कैसे अप्लाई लिंग्विस्टिक का क्या रोल होता है, ठीक है। और मतलब हर बस प्रॉब्लम को सोल्व करना ही इसका मेन मकसद होता है।